गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जोसेफ एडिसन का सर रोजर एट होम, जो कि एक ऐसे है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड थी सर यूनिट जो 6 है फिक्शन एंड प्रोज, उसको कवर करा दीजिए। उसमें मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज पर जल्द ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ओल्ड वे ट्विस्ट पर बना चुके हैं, अनटचेबल पर बना रखी है हमने, और इसके अलावा ऑफ ट्रूथ पर ऑलरेडी बनी हुई है फ्रांसिस बेकन के, ड्रीम चिल्ड्रन पे बना रखी है। बहुत सारे टॉपिक्स को उससे भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। आने वाले समय में जो टॉपिक शेष बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से कवर कर दिया जाएगा। लेकिन जब बात करें अधिकतर साथियों के रिस्पांस की, तो रिस्पांस ना के बराबर है। इससे पहले हमने कल की अगर बात करें तो मॉक टेस्ट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, जो कि बहुत समय लगता है एक मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करने में। कम से कम 1 से 2 दिन का समय तो उसको प्रिपेयर करने में लगता है, फिर टाइपिंग करने में अलग से समय लगता है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऑप्शंस भी इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं कि उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। देखिए, पहले नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज एडिसन बोर्न। जोसेफ एडिसन की बात चल रही है, जोसेफ एडिसन का जन्म जो है कौन से वर्ष में हुआ, तो इसके अगर आंसर की बात करें तो 1672 हो जाएगा। 1672 में इनका जन्म हुआ और ये न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं। कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? न्यू क्लासिकल एज बोला जाता है, न्यू क्लासिकल, ठीक। न्यू क्लासिकल एज की अगर बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो इसको 3 उसमें बांट सकते हैं हम, जिसमें पहले नंबर पे हमारा आ जाएगा एज ऑफ ड्राइडन, जिसको रेस्टोरेशन एज बोलते हैं, ठीक है। एज ऑफ ड्राइडन आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन सी आ जाएगी? एज ऑफ पोप, जिसको अगस्टिन एज बोलते हैं, एज ऑफ पोप अगस्टिन एज बोलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर की एज आ जाएगी एज ऑफ सेंसिबिलिटी आ जाएगी, जिसको बोलते हैं क्या, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। तो ये 3 एजेस हैं, और इनके अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तीनों एजेस की, तो रेस्टोरेशन एज का टाइम पीरियड यानी कि एज ऑफ ड्राइडन जो है वो 1700 है, और दूसरी जो एज ऑफ पोप है 1701 to 1745, जिसको अगस्टिन एज भी बोला जाता है, और तीसरे नंबर की एज है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन यानी कि सैमुअल जॉनसन की एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी जिसको बोला जाता है 1745 से 1785 इसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन कुछ बुक्स में आपको 1798 भी दिखेगा, और 1798 से फिर रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाती है। ये 3 सेक्शंस हैं किसके, न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड के। तो बात कर लेते हैं कुछ एडिसन के बारे में। पहले जरूरी होता है किसी भी जो ऑथर है उसके बारे में जान लें हम, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं लाइफ स्पैन से रिलेटेड, या कौन सी लिटरेरी जॉनर को फॉलो करते हैं, कौन सी इससे बिलोंग करते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहले हम एडिसन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, ये जो सर रोजर एट होम जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इस पूरे चैप्टर को यानी कि इस एसे को कवर करने की हमारी फिर कोशिश रहेगी। तो फिलहाल हमारे पास आप देख सकते हैं यह है जोसेफ एडिसन के बारे में। जोसेफ एडिसन का जन्म अगर बात की जाए, ही वॉज बोर्न ऑन 1672, 1 मई 1672 को इनका जन्म होता है। 1672 को कैसे याद रखना है आपको, ध्यान दीजिएगा 1660 रेस्टोरेशन एज का टाइम पीरियड है, तो उसी में आपको थोड़ा सा आगे चले जाना है उसके, या फिर आप मिल्टन की डेथ हुई 1674 में, 1674 में, ठीक, उससे 2 साल पहले इनका जन्म हो रखा है, उससे 2 साल पहले इनका जन्म हो रखा है जोसेफ एडिसन का। और अगर इनके डेथ की बात की जाए तो 17 जून 1711 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये इनका लाइफ स्पैन है 1672 से 1711 तक, ये आप याद कर सकते हैं। मिल्स्टन विल्सायर इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, और इनकी डेथ हुई हॉलैंड हाउस लंदन इंग्लैंड में, कहें तो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई। और नेशनैलिटी की बात की जाए तो ये इंग्लिश जो है, इंग्लिश ऑथर हैं। ऑक्यूपेशन क्या है इनका, देखिए एसिस्ट रहे, पोएट, प्लेराइट, पॉलिटिशियन, ये
ऑक्यूपेशन की बात है, एसेज लिखे इन्होंने, एक पोइट भी रहे, प्ले राइट भी रहे, और इसके अलावा एक राजनीतिज्ञ भी ये रहे हैं। नोटेबल वर्क्स की बात की जाए, को फाउंडर रहे हैं स्पेक्टेटर, इसके अलावा एसेज और प्लेज के। को फाउंडर किसके रहे हैं? दी स्पेक्टेटर के। लिटरेरी स्टाइल की बात की जाए तो पॉलिश्ड, एलिगेंट और मॉरलिस्टिक। एजुकेशन अगर इनकी बात की जाए तो क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इनकी एजुकेशन रही। इन्फ्लुएंसेस देखने को कहाँ कहाँ मिलता है, क्लासिकल लिटरेचर, पर्टिकुलरली दी वर्क्स ऑफ वर्जिल एंड होरेस और फ्रेंच लिटरेचर। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन्फ्लुएंसेस को। इनके कंटेम्प्रेरीज की बात की जाए तो इनके समकालिक कौन कौन थे, रिचर्ड स्टील, ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर ट्रेवल वाले, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप। अचीवमेंट्स की बात की जाए, इन्फ्लुएंशियल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द पीरियडिकल लिटरेचर विद द स्पेक्टेटर। पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे एमपी, ठीक है, कहाँ पर, फॉर मेल्सबरी, सॉरी मल मेल्सबरी एंड लेटर फॉर लॉस्ट वीथियल करके। तो ये भी याद रखना है, एमपी भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। सर रोजर एट होम की बात की जाए तो ये इनके द्वारा लिखा गया एक ऐसे है, निबंध है, और फादर ऑफ एसेज किसको बोला जाता है, मोंटेग को बोला जाता है। ऐसे जो है इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, टू ट्राई या टू अटेम्प्ट होता है, ठीक। और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज किसको कहा जाता है, चार्ल्स लैम को कहा जाता है। तो ये तो एसेज रिलेटेड बात थी। और जोसेफ एडिसन का ये वर्क है, क्रिएशन है सर रोजर एट होम, इट वाज पब्लिश इन द स्पेक्टेटर। तो कहाँ पे पब्लिश हुआ ये, स्पेक्टेटर में पब्लिश हुआ। इट वाज पब्लिश, कब पब्लिश हुआ, ऑन 2 जुलाई 1711, जब इनकी डेथ होती है उसी ईयर ये पब्लिश भी होता है। ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर, जो रोजर एट होम है, द नंबर ऑफ सर रोजर एट होम इन स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर में ये पब्लिश हुआ तो इसमें इसका नंबर कौन सा था, पेपर्स, ये देखिए द नंबर ऑफ सर रोजर एट होम इन स्पेक्टेटर पेपर्स, स्पेक्टेटर के जो पेपर नंबर 106 है उसमें ये पब्लिश हुआ था, ठीक है, कौन से नंबर का पेपर है ये पूछ लिया जाता है, 106। तो ये थे कुछ मेन मेन पॉइंट्स सर रोजर एट होम से रिलेटेड। तो शुरू से अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बता दिया था, 1672 में इनका जन्म होता है, 1711 में इनकी डेथ हो जाती है, ये आपको याद रखना है। द मोस्ट परफेक्ट गिफ्ट दैट, इसमें पूछा जा रहा है, द मोस्ट परफेक्ट गिफ्ट दैट फिटेड एडिसन वाज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, हु हैज दैट ओपिनियन। तो ये किसकी ओपिनियन थी कि मोस्ट परफेक्ट गिफ्ट दैट फिटेड एडिसन, जो एडिसन को फिट करता है, वाज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। तो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, कहने का मतलब ऐसा किसने कहा था, ये इनकी क्वालिटी किसने बताई थी, तो ये बताई थी। इसमें चार ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डेटन करके, ठीक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इन विच लिटरेरी एज डिड एडिसन राइट हिज एसेज, एडिसन ने कौन से लिटरेरी एजेस में जो है, एज में जो है अपने एसेज को लिखा, ये पूछा जा रहा है। तो न्यू क्लासिकल एज में इन्होंने लिखा। अब यहाँ पे बात चल रही है एलिजाबेथन एज की, तो इसका टाइम पीरियड है 1558 to 1603, ठीक है। एलिजाबेथन एज को एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे अगर इसकी बात करें, रोमांटिक एज का टाइम पीरियड क्या है, 1798 से लेके 1837 तक का, इसका 1837 तक इसका जो है टाइम पीरियड रहा है, 1798 से लेके 1837 जो है रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है। रेस्टोरेशन की बात की जाए तो 1660 से लेके 1700 है, एज ऑफ ड्राइडन भी इसको कहा जाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जानी जाती है एज। और न्यू क्लासिकल एज का टाइम पीरियड हमने बताया आपको, 1660 से लेके ये कंसिडर कर लिया जाता है 1785 तक। इसमें तीन हमने एजेस बताई, जिसमें एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप
और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, द अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स वाज द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश ऑथर। तो ये जो है क्रिएशन है, अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स करके, ये क्रिएशन किसकी है पूछा जा रहा है, तो ये जोसेफ एडिसन की है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब आपको क्या काम करना है इसमें, हमारे उत्तराखंड एलटी की अगर बात की जाए तो उसमें, इसमें से अगर जो ऑथर्स हैं उसमें चार्ल्स लैम्ब हैं और बेकन हैं। आपको एडिसन का ऑलरेडी हम बता चुके हैं लाइफ स्पैन, तो आपको क्या करना है, चार्ल्स लैम्ब और फ्रांसिस बेकन का लाइफ स्पैन कमेंट करना है, ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस जो है, आपको भी पता चलेगा कि आपको जो आपने प्रिपरेशन कर रखी है वो किस हद तक आपकी सही चल रही है, कहीं उसमें रिविजन की ज़रूरत तो नहीं है, ये आपको इससे पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये तो ये स्लाइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बारे में, एडिसन के बारे में, तो एडिशनल एडिसन के बारे में एडिशनल जानकारी यहाँ पे दी गई, ठीक। रोजर एट होम ऐसे है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, ये पब्लिश हो रखा है द स्पेक्टेटर में, 1711 में हो रखा है, पेज नंबर 106 है। ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम क्या कर लेने हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब ऐसे की अगर बात की जाए, इन विच देयर अपीयर, जिसमें द कैरेक्टर अपीयर होता है सर रोजर डी कवरली करके, आर ऑल्सो नोन एज, तो इस पेपर को क्या, किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है, तो उनको कवरली पेपर्स के नाम से जाना जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। कवरली पेपर्स क्यों कहा जाता है इसको, ये कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो कवरली पेपर्स इनको इसलिए कहा जाता है, जो सर रोजर की अगर बात की जाए, सर रोजर डी कवरली की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये सेंटर फिगर है इसके, बात कर सकते हैं। अधिकतर एसेज में जो है ये यहाँ पे सेंट्रल फिगर के रूप में इनको दिखाया जाता है, सर रोजर डी कवरली को, इसीलिए इसको जो है कवरली पेपर्स के नाम से भी जाना जाता है। फुल नेम की अगर बात की जाए सर रोजर के, ये भी पूछ लिया जाता है, सर रोजर डी कवरली करके इसका फुल नेम है। जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील की अगर दोनों की बात की जाए, तो दोनों ने इंट्रोड्यूस किया एक फिक्सीशियस करेक्टर, एक काल्पनिक जो करेक्टर होता है कहने का मतलब, उसका नाम क्या था, सर रोजर, इन्हीं जैसे अपने एसेज में, अपने निबंधों में अगर बात की जाए, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ने एक ऐसे फिक्सीशियस करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या है पूछा जाता है, तो सर रोजर डी कवरले करके है, सर रोजर करके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, द स्पेक्टेटर, यानी कि स्पेक्टेटर कहने का मतलब है ऑथर, विजिट्स, इसमें ध्यान दीजिएगा, स्पेक्टेटर को ऑथर यहाँ पे वो किया गया है, विजिट्स, ये विजिट करता है सर रोजर डी कवरले के घर पे, बिकॉज ही रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम सर रोजर, सर रोजर से इसको एक जो है इन्विटेशन मिलता है ऑथर को, तो वहाँ पे विजिट करता है और उसी पर आधारित ही ऐसे हमें देखने को मिलता है, सर रोजर एट होम करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर रोजर इज रिलेटेड टू द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर से कैसे रिलेटेड है सर रोजर, तो सर रोजर इज हिज फ्रेंड, सर रोजर जो है स्पेक्टेटर का फ्रेंड है, स्पेक्टेटर का मतलब है यहाँ पे ऑथर से है, ठीक है, ऑथर से है स्पेक्टेटर का मतलब। अब जो स्पेक्टेटर क्लब है इसमें कितने मेंबर्स हैं, कभी कभार ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है, तो स्पेक्टेटर क्लब में 6 मेंबर्स थे, जिसमें कैप्टन सेंट्री, सर रोजर डी कवरले एंड सर एंड्रू फ्रीफार्ड बी मर्चेंट, ठीक है, टेम्पर करके है, और लॉयर हु इज सिक ऑफ हिज प्रोफेशन, जो अपने प्रोफेशन का क्या है सिख है कहने का मतलब है, विल हनी करके है, विल हनी कॉम करके है, इसके अलावा क्लर्जी मैन है, ये आपको 6 के 6 कैरेक्टर्स, सॉरी जो मेंबर्स हैं स्पेक्टेटर क्लब के, ये भी अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, द टेटलर वाज फाउंडेड, अब टेटलर की बात की जा रही है, एक तो स्पेक्टेटर है दूसरा टेटलर है। द टेटलर वाज फाउंडेड इन 1709 बाय रिचर्ड स्टील, हु यूज द पेन नेम इजाक विकरस्टाफ, तो इनके अगर साथी की बात की जाए एडिसन के, तो रिचर्ड स्टील जो कि एक पेन नेम यूज करते थे इजाक विकर्स साहब करके, ठीक है।
स्पेक्टेटर से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। स्पेक्टेटर क्या है? एक पीरियडिकल है जो पब्लिश हुआ लंदन में बाय द एसिस्ट रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन। किसके द्वारा? रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन के द्वारा एक जो है पीरियडिकल है ये, जो पब्लिश हुआ था कहाँ पे? लंदन, ठीक है, बाय इन लंदन बाय द एसिस्ट। कब से कब तक तो हुआ था? मार्च जो है 1st of March 1711 से लेके दिसंबर 6 1712 तक। तो 1711 में जो आपको पता है डेथ हो जाती है किसकी? जोसेफ एडिसन की। और यहीं पे स्पेक्टेटर में ये पब्लिश भी होता है सर रोजर एट होम करके, ये अपीयरिंग डेली। अब इसकी बात चल रही है, स्पेक्टेटर जो था ये डेली अपीयर होता था, ठीक है, ये जो है डेली अपीयर होता था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड सबसिक्वेंटली रिवाइव्ड बाई एडिसन इन 1714 फॉर 80 मेंबर्स। इट सक्सीडेड द टेटलर विच स्टील हैड लॉन्च इन 1709। तो टेटलर की भी बात की जा रही है और जो कि स्टील के द्वारा लॉन्च किया गया बताया जा रहा है कि 1709 में। इन इट्स एम टू इनलाइवन मोरालिटी एंड विट एंड टू टेम्पर विट विद मोरालिटी द स्पेक्टेटर एडोप्टेड अ फिक्शनल मेथड। स्पेक्टेटर ने क्या किया? फिक्शनल मेथड को जो है अडोप्ट किया ऑफ प्रेजेंटेशन थ्रू अ स्पेक्टेटर क्लब। स्पेक्टेटर क्लब के थ्रू जो कि हमने अभी बताया आपको, जिसमें मेंबर्स भी हमने डिस्कस किए, वेयर सॉरी हुज इमेजिनरी मेंबर्स एक्सटोल्ड द ऑथर्स ऑन आइडियाज अबाउट सोसाइटी। तो ऑथर के जो अपने आइडियाज हैं सोसाइटी के बारे में वो उसमें दिए जाते थे। दीज मेंबर्स इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमर्स। किस किस से रिलेटेड ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे? कॉमर्स, द आर्मी, द टाउन रिस्पेक्टिवली, सर एंड्री फ्रीपोर्ट, फ्रीपोर्ट कैप्टन सेंट्री, विल हैनेकॉम जो कि मेंबर्स थे अभी हमने बताया था स्पेक्टेटर क्लब के, द कंट्री जेंट्री सर रोजर डी कवल एंड ऑफ द कंट्री जेंट्री के उससे भी ये देखिए यहाँ पे इनको संबोधित किया जा रहा है सर रोजर डी कवरले को। द पेपर्स वर ऑब्सटेंसिवली रिटन बाय मिस्टर स्पेक्टेटर एज एन ऑब्जर्वर ऑफ द लंदन सीन करके ये दिया जा रहा है। द कन्वर्सेशंस दैट स्पेक्टेटर रिपोर्टेड वर ऑफन इमेजिन टू टेक प्लेस इन कॉफी हाउस। और ये जो है कहाँ पे टेक प्लेस होते थे? तो कॉफी हाउस में, विच वॉज ऑल्सो वेयर मैनी कॉपीज ऑफ द पब्लिकेशन वर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रेड, जहाँ पे बहुत सारी इसकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती थी और पढ़ी भी जाती थी। इसके अलावा अगर बात करें टेटलर से रिलेटेड, स्पेक्टेटर के बारे में तो पढ़ा, टेटलर से रिलेटेड अगर कहीं क्वेश्चन बन जाता है तो इसमें आप देख सकते हैं पीरियडिकल है ये भी, लॉन्च हुआ लंदन में किसके द्वारा? रिचर्ड स्टील के द्वारा 1709 में। अपीयरिंग 3 times weekly, ये सप्ताह में 3 बार जो है पब्लिश होता था, अपीयर होता था। तो कौन कौन से दिन है वो आपको बताने हैं, ठीक है, इतना सा काम आपको करना है अंटिल जनवरी 1711। पहली बार की अगर बात की जाए तो इसका इंटेंशन क्या था? वॉज टू प्रेजेंट अकाउंट ऑफ गैलेंट्री प्लेजर एंटरटेनमेंट ऑफ पोएट्री एंड फॉरेन डोमेस्टिक न्यूज। दीज और रिपोर्टेड ये रिपोर्ट किए जाते थे एंड इश्यूड फ्रॉम वेरियस लंदन कॉफी एंड चॉकलेट हाउसेस। इन द टाइम टेटलर बिगेन टू इन्वेस्टिगेट मैनर्स एंड सोसाइटी। उस टाइम पे क्या करते थे? टेटलर ने शुरू कर दिया इन्वेस्टिगेट करना मैनर्स एंड सोसाइटी, एस्टेब्लिशिंग इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियल बिहेवियर, इट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ परफेक्ट जेंटलमैन जेंटलवुमन एंड इट्स स्टैंडर्ड ऑफ गुड टेस्ट। ये टेटलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। तो मेन मेन पॉइंट्स को यहाँ पे हमने डिस्कस करने की कोशिश की सर रोजर एट होम से रिलेटेड। तो इसमें अगर बात की जाए जो एक बटलर करके हमें यहाँ पे कैरेक्टर की अगर बात कर लें तो उसको दिया जाता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टू टेक केयर ऑफ मिस्टर स्पेक्टेटर। अगर बात की जाए जो सर रोजर एट होम वाले इसी ऐसे में पूछा जाता है तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टेक केयर की, यानी कि देखभाल करने की मिस्टर स्पेक्टेटर की, ऑथर की? तो बटलर को दी जाती है। किसको दी जाती है? बटलर, आपको बटलर याद रखना है, ठीक है। और इसी में अगर एक और पॉइंट की बात करें जो एक चैपलेन करके भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, चैम्पलेन करके एक कैरेक्टर और देखने को मिलेगा। चैम्पलेन हैज बीन लिविंग विद सर रोजर एट हिज हाउस।
सर रोजर के साथ, और चैंपियन भी उसके घर में रह रहा था लगभग कितने सालों से, 30 ईयर्स से, कितने साल से रह रहा था, 30 ईयर्स से। तो कौन रह रहा था सर रोजर के साथ तो उसके घर में, तो चैंपियन करके। और जो इनका अपने बात करें जो रोजर हैं, अपने जो सर्वेंट्स हैं उनके साथ इनका बिहेवियर कैसा रहता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनका बिहेवियर फ्रेंडली रहता है उनके साथ, कैसा रहता है, फ्रेंडली रहता है। और सर रोजर जो है किस टाइप का आदमी है, किस टाइप का मैन यहाँ पे है, तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का ये पर्सन है, और हैड अ गुड सेंस, ही ऑलवेज फाउंड फॉल्ट विद द वेज ऑफ द वर्ल्ड, ये हमेशा फॉल्ट ढूंढता था जो तौर तरीके हैं संसार के, बट दिस अनयूजुअल नेचर नेवर मेड हिम एनी एनिमीज। तो ये जो अनयूजुअल इनका जो नेचर था वो कभी भी किसी को अपना शत्रु नहीं बनाया, जिसकी वजह से इन्होंने, यानी कि हर कोई इनका फ्रेंड रहा, कहने का मतलब है। तो ऐसे जो रोजर एट होम है इसमें शो, ये क्या शो करता है, किस चीज़ को दर्शाता है, जो ऑथर है ऑथर को इन्वाइट किया गया स्टे करने के लिए एट द कंट्री हाउस ऑफ सर रोजर, सर रोजर के कंट्री हाउस में उनको स्टे करने के लिए इन्वाइट किया जाता है। और जो पेपर है वो नरेट करता है इस स्टोरी को कि कैसे उन्होंने वहाँ पे अपने दिनों को व्यतीत किया जब वो वहाँ पे रहे, तो ये सारी इसमें चीज़ें बताई जाती हैं। और कुछ एडिशनल पॉइंट और भी हैं जिनको हम और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एडिसन का एक ड्रमर करके है, ड्रमर करके इनका वर्क है, ठीक है, एक क्रिएशन है, ड्रमर क्या है करके पूछा जाता है, तो ड्रमर भी एक ट्रेजेडी है। इसके अलावा कैटो के बारे में पूछ लिया जाता है, कैटो भी क्या है, एक ट्रेजेडी है जो कि 1712 में ही लिखी गई है। तो इसके साथ साथ अन्य जो पॉइंट्स हैं जिसमें इनकी राइटिंग स्टाइल के लिए अगर बात की जाए, तो जो स्टाइल कैसे यूज करते थे ये पूछा जाता है, तो मिडिल स्टाइल यूज करते थे, मिडिल स्टाइल, ठीक है। मिडिल स्टाइल का मतलब क्या है, मिडिल स्टाइल कहा है इसको डॉक्टर जॉनसन ने, मिडिल स्टाइल क्यों कहा, ना तो इनके जो एसेज थे वो ना इतने इनफॉर्मल होते थे ना ज़्यादा फॉर्मल, तो इसलिए मिडिल स्टाइल इनके जो है राइटिंग स्टाइल को नाम दिया है, इनकी प्रोज स्टाइल को किसने, डॉक्टर जॉनसन ने। तो ये थे कुछ मेन मेन पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू सो मच।